हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारी सीरीज़ में, जिसमें हम सिखा रहे हैं कि भाई जीयूआई प्रोग्रामिंग पाइथन में कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम जो सीखने जा रहे हैं वो जो टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ओके, सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने जा रहे हैं कि हम जीयूआई प्रोग्रामिंग में पाइथन में लाइन और आर्क कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पाइथन। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आप प्रोग्रामिंग में कौन से क्लास या कौन सी मेथड यूज करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे आप एक आर्क आर्क जो ड्रॉ करनी होती है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर का यही हम देखने जा रहे हैं कि हम लाइन और आर्क कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए चलो एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम हम दे देते हैं लाइन ड्रॉइंग डॉट पी वाई। ठीक है, तो पहले जो वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो बेसिक कोडिंग है, जो कुछ लाइन है वो फिक्स है। कौन कौन सी लाइन है चलिए देखते हैं। फ्रॉम टीकेंटर इंपोर्ट स्टार, ठीक है, ये हमारी पहली लाइन हो गई। और उसके बाद आता है जो विंडो ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, रूट इज इक्वल टू 2k, रूट है हमारा वेरिएबल और 2k वो जो मेथड है हमें स्क्रीन को ड्रॉ करने के लिए कॉल करनी पड़ती है। ठीक है, उसके अलावा दो और लाइन हम लिख लेते हैं, रूट डॉट जियोमेट्री। ये मेथड आपको पता होगी, इस मेथड के लिए मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता होगी, रूट डॉट जियोमेट्रो में हम जियोमेट्री में हम डायमेंशन दे देते हैं 400 बाय 400 प्लस 120 प्लस 120। ये डायमेंशन आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन हमारी क्या रहेगी, रूट डॉट मेन। ठीक है, ये लाइन हमारी फिक्स है, किसी भी जियो प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं तो ये फिक्स हो गई है। ठीक, और एक लाइन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम जो भी जब हम अपनी प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो विंडो हमें आउटपुट में दिखाती है, तो उस विंडो का टाइटल अगर आपको सेट करना है तो रूट डॉट टाइटल मेथड को आप कॉल कर सकते हो, और पैरामीटर में आप जो विंडो का नाम आपको रखना है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, लाइन एंड आर्क ड्रॉइंग। ठीक है, चलिए ये हमारी कुछ लाइन हो गई। ठीक है, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी ड्राइंग करने के लिए आपको एक कैनवास की ज़रूरत पड़ती है। कैनवास मतलब क्या, अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपको कोई भी पिक्चर ड्रॉ करनी है तो आपको एक शीट चाहिए। ठीक है, उस शीट के ऊपर आप ड्राइंग करते हैं, कलर फिलअप करते हैं, अलग अलग शेप ड्राइंग करते हैं, पिक्चर अपनी ड्राइंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक इमेज तो ले ली है, ठीक है, सॉरी इमेज नहीं, हमने एक विंडो तो ले ली है। ठीक है, ये हमारी विंडो है। ठीक है, तो उस विंडो के ऊपर हमें एक कैनवास की स्पेस चाहिए जिसके ऊपर हम अपने जो शेप है मैथमेटिक्स के हिसाब से, जो हम शेप मतलब लाइन आर्क सर्कल ओवेल पॉलीगॉन ये सब शेप हो गए। ठीक, तो उस शेप को अगर हमें ड्रॉ करना है तो हमें कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैनवास कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कैनवास को यूज़ करने के लिए हम एक पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं कैनवास। याद रखिए ये वेरिएबल है, कैनवास जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है वो वेरिएबल है, और कैनवास का क्लास यूज करना है तो ये रहा कैनवास। ठीक है, आप देख सकते हैं डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस है, कैनवास क्लास में सी कैपिटल है और कैनवास वेरिएबल में सब स्मॉल में है। ठीक है, तो कैनवास क्लास में हमें कौन से पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो ये कैनवास हमें किस विंडो के ऊपर चाहिए, तो रूट। ठीक है,
जो हमारी विंडो है, मेन विंडो है, उसके ऊपर हमें कैनवास को रखना है। उसके हिसाब से हम उसकी साइज फिक्स कर देते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 200, हाइट इज इक्वल टू 200। और अगर आपको कैनवास का कलर, सबसे पहले देख लेते हैं कि कैनवास ग्रो होता है, और उसके बाद कैनवास को हम पैक कर देते हैं विंडो के ऊपर। ठीक, चलिए देखते हैं। पहले तो इसे रन करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने विंडो ड्रॉ कर ली है और इसके ऊपर कैनवास भी आ गए, पर हमें कैनवास दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है और कैनवास जो हमने क्लास लिया है, वो दोनों का कलर है एक ही। तो कैनवास को अलग करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर कैनवास का चेंज कर देते हैं। BG इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, चलिए कोई भी कलर कर देते हैं, ब्लू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो आपको कैनवास अलग दिखाई देगा। हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारी मेन विंडो है, उस विंडो के ऊपर हमने कैनवास को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब इस कैनवास के ऊपर हम लाइन और आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कैनवास के लिए हमने एक वेरिएबल लिया था, उसी के हिसाब से हम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं लाइन, और उसके लिए कैनवास में एक मेथड दी गई हुई है, कैनवास डॉट क्रिएट लाइन। ये रहे क्रिएट लाइन। ठीक है, क्रिएट। अब मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल अगर आपको पता होगा तो लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो एंड पॉइंट्स चाहिए, जिसमें एक एंड पॉइंट को हम कहते हैं स्टार्टिंग और दूसरे एंड पॉइंट को हम कहते हैं एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी होती है और एंडिंग पॉइंट की पोजीशन फिक्स करनी होती है। ठीक है, X1 Y1 और X2 Y2, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वैसे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं 0,0, और एंडिंग पॉइंट हम ले लेते हैं 200,100। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले तो हम इसे देख लेते हैं कि भाई ये लाइन ड्रॉ होती है या नहीं। ये देखिए, अब आप देख लीजिए कि ये जो 0,0 पॉइंट मैंने दिया था, स्टार्टिंग पॉइंट X1 Y1, जो 0,0 पहले दो पॉइंट्स दिए हुए, वो है फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0, दैट इज X1 Y1 इज इक्वल टू 0,0। और जो लास्ट एंडिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो है 200,100, दैट इज X2 Y2। ठीक है, तो 0,0 दैट मीन्स हमने कैनवास के ऊपर जो ड्रॉ करना है, तो 0,0 मतलब यहाँ से अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगी लाइन, दैट इज 0,0। और जो हमने क्या किया है, एंडिंग पॉइंट कौन सा रखा है, 200,100, दैट इज X2 Y2, दैट इज X2 की कीमत हमने क्या रखी है, 200। ठीक है, और y की कीमत हमने क्या रखी है, 100। तो ये पॉइंट हो गया 0,0 से 200,100। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। ठीक है, चलिए अब इसी के हिसाब से हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं कि भाई कैसे। और एक लाइन ले लेते हैं, उसका हम वेरिएबल ले लेते हैं, लाइन 1 इज इक्वल टू कैनवास डॉट क्रिएट लाइन। और हमें जो दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम उसके कोऑर्डिनेट हम क्या देंगे कि जो पहली लाइन का एंड पॉइंट है, वहां से हमें स्टार्ट करना है। दैट मीन्स पहली लाइन का एंड पॉइंट क्या था, 200,100। ठीक है, और हम उसे कहाँ पे ले जाना चाहते हैं, तो कभी 0,200। दैट मीन्स कि हमें जो लास्ट पॉइंट था, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 0,0 से हम लाए 200,100, दैट इज एक्स की वैल्यू 200 है, दैट मीन्स ये यहाँ पे 200 आ गई, और वाई की कीमत का, वाई की वैल्यू क्या है, 100, दैट मीन्स ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 200,100 हो गया। अब हम जो दूसरी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या दिया हुआ है, 200
200, 100, सो यहाँ से ही ये स्टार्ट होगी और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, 0, 200, दैट इज एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 200 हमें चाहिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी 200, ठीक है। चलिए देखते हैं, इससे रन करके देखते हैं, ये देखिए ये दूसरी लाइन आ गई, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन का एंड पॉइंट हमने क्या दिया हुआ था, 0, 200, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लाइन को अगर पाइथन में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैनवास लेना पड़ेगा, कैनवास के ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दी गई हुए, पर्टिकुलरली अगर आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेथड दी गई हुए क्रिएट अंडरस्कोर लाइन और आपको 4 पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप लाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप फिल करके उसमें कलर कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड हमने दे दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट, ये देखिए लाइन का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपको लाइन का कलर भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये